क्यों अक्षरा सिंह वापस से खेसारी के खेमे में आना चाहती हैं, खेसारी के साथ फिल्में करना चाहती हैं, खेसारी के साथ एल्बम करना चाहती हैं और खेसारी के साथ भाई वो स्टेज शो भी करना चाहती हैं। स्टेज शो में तो वो कामयाब भी रही हैं, इक्का दुक्का स्टेज शो ये दोनों ने एक साथ किया भी है हाल ही के दिनों में। लेकिन आपको बता दें, जहाँ तक बात फिल्मों और एल्बमों की है तो अभी इसका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब खेसारी अक्षरा के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन अक्षरा थी कि उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। आपको तो याद ही होगा फिल्म दिलवाले, हाँ दिलवाले, जिसमें ये दोनों साथ में थे। यह फिल्म आधी ही कंप्लीट हुई थी कि इन दोनों का भाई ब्रेकअप हो गया था और पवन सिंह के खेमे में अक्षरा सिंह चली गई थी। और अक्षरा सिंह तब खेसारी का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती, तब अक्षरा सिंह खेसारी का मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी। आपको बता दें कि जैसे तैसे करके इस फिल्म के डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को कंप्लीट तो किया, लेकिन जब फिल्म के प्रमोशन की बात आई तो अक्षरा सिंह खेसारी के साथ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी तैयार नहीं हुई। वो तो खेसारी थे जिनके बलबूते ये फिल्म थोड़ी बहुत चल गई। बाद में जब जिम्मा इस फिल्म के प्रमोशन का आया अक्षरा सिंह के ऊपर, तब अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का सहारा लिया और एक वीडियो जारी किया और पवन सिंह ने अपने फैन से अपील की कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की इस मूवी को देखने जाएं, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। दिलवाले मूवी ने जैसे तैसे अपना पैसा रिकवर तो कर लिया, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ठान ली कि वो अक्षरा सिंह के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। खैर, आपको आगे बताते हैं कि अब क्यों अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ काम करना चाहती हैं। खेसारी लाल यादव के साथ वो इसलिए काम करना चाहती हैं कि हाल ही के दिनों में अक्षरा के साथ कोई भी बड़ा स्टार काम नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनकी और रितेश पांडे की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, उसे अक्षरा ने भले ही कह दिया हो कि वो कॉन्ट्रोवर्सी झूठी है और इस कॉन्ट्रोवर्सी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात इंडस्ट्री के अमूमन सभी लोग जानते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई भी थी। और अब रितेश पांडे भी अक्षरा सिंह के साथ काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अब ले देकर खेसारी ही ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अगर अक्षरा चाहें तो आगे चलकर अपनी ट्यूनिंग बना सकती हैं, लेकिन उनके साथ भी ट्यूनिंग बनाने में उन्हें अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि काजल राघवानी को नाराज़ कर खेसारी अक्षरा के साथ तो भाई बिल्कुल भी जोड़ी नहीं बना सकते, क्योंकि काजल और खेसारी की जोड़ी को पसंद करने वाले बहुत सारे हैं। अक्षरा और खेसारी की जोड़ी को भी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या बड़ी कम हो चुकी है। अब आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव की तारीफ तब अक्षरा सिंह ने की थी जब उनकी और पवन सिंह की लड़ाई हुई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर खेसारी अक्षरा सिंह के साथ काम करते हैं तो आगे चलकर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बाहर तो वो काजल राघवानी को नाराज करेंगे और घर में अपनी पत्नी को। जी हाँ, अक्षरा सिंह की ही वजह से तो भाई खेसारी का घर टूटते टूटते रह गया था। आपको याद ही होगा कि खेसारी अक्षरा के प्यार में कुछ इस तरह दीवाने थे कि उनके पीछे तो वो सब कुछ भूल जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी और बच्चों के कारण वो वापस लौट आए। अब अगर अक्षरा सिंह उनकी लाइफ में वापस आती हैं तो खेसारी के निजी लाइफ में तो खलबली मचेगी ही, जिसके लिए खेसारी अब कतई तैयार नहीं होंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि खेसारी अक्षरा के साथ फ्यूचर में कब काम करते हैं, क्योंकि बबुआ बवाली नामक फिल्म को तो अब भाई लगता है डब्बा बंद ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म की अनाउंसमेंट तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी और इस फिल्म पे अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसी फिल्म में अक्षरा और खेसारी फिर से नज़र आने वाले थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। Thank you.